कि काउंटिंग के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, कमल खंडेलवाल जी से हम बात करेंगे। भैया नमस्कार, क्या बात, क्या कहना चाहेंगे आप? जनता का जो जनादेश है जी, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है जी। हम जनता ने जो हमें सहयोग दिया, जितना भी सहयोग दिया जी, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जी। और जो आज लोग 15 पार्षद जीते हैं, उन सभी लोगों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। कितने पार्षद आए हैं आपके? हमारे 3 से 4 पार्षद आए हैं, अभी थोड़ा सा कुछ एक अंदर बाकी है जी। 3 से 4 पार्षद आए, ठीक है। हमारे साथ प्रीतम सिंह डोडवा जी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या कहेंगे? नमस्कार। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष प्रणाली हम लोगों के लिए नया था, जिसमें सभी चीज़ें जो थी जो हमारे उम्मीदवार थे उन पर डिपेंड थी अपने हिसाब से लड़ने का जी। अगर कहीं हमने सीटें हारी है तो उसको हार न मानते हुए अपनी सीख मानेंगे जी, ताकि आने वाले समय में हम इस सीख से एक अच्छे कदम उठा करके और ज़्यादा सीटें लेकर के आए जी। एक सवाल हमारा कमल खंडेलवाल जी से है, ये जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसके लिए क्या कारणों को जिम्मेदार मानेंगे? कारण तो क्या होता है, जीत का कोई कारण नहीं होता है, और हार के 100 कारण होते हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष ने जो कहा है जी, उस पर वाकई में हम अमल करेंगे, और इससे चुनाव की जो हार है इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, और इस चुनाव में भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आगे फिर भारतीय जनता का परचम लहराने के लिए हम तैयार थे, हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक सवाल मेरा और है आपसे, जो टिकट वितरण को लेकर जो नाराजगी की खबरें आई थी, इस बारे में क्या कहेंगे? वो टिकट लेट बांटे गए थे, एंड टाइम पे घोषित किए गए थे। इस संदर्भ में हमने पूर्व में भी कहा है जी, और अब अपन बैठ के चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये थे कमल खंडेलवाल जी, जिनका ये कहना है, इन्होंने टिकट में असंतोष की बात पे बिल्कुल जवाब नहीं दिया, और इनका ये कहना है कि बाद में बात करेंगे।